नमस्कार, सरोज बर्नवाल के चैनल में आपका स्वागत है। आज हम बनाएंगे पाइनएप्पल पुडिंग, वो भी विदाउट पाइनएप्पल। ना ही पाइनएप्पल को छीलना, ना काटना और ना ही पीसना, और ये झटपट बनने वाली रेसिपी है। तो चलिए देखते हैं कि ये किस तरह से बनता है। पाइनएप्पल डिजर्ट बनाने के लिए मैंने लिया है यहाँ पर एक पैन। इसमें मैं डालूंगी 1.5 टेबल स्पून कस्टर्ड पाउडर, और यहाँ पर मैंने 1.5 कप मिल्क लिया है। इसे मैं इसमें थोड़ा सा पहले डालूंगी और इसे मिक्स कर लूंगी। अब मैं सारा दूध इसमें डाल दूंगी और इसमें डालूंगी मैं 1 टेबल स्पून शुगर और आधा टेबल स्पून मैं और डाल दूंगी। यहाँ पर मैंने पाइनएप्पल जैम लिया है, ये 2 टेबल स्पून है, इसे मैं इसमें डाल दूंगी। अब सभी को अच्छी तरह से हम मिक्स कर देंगे। चलिए अब हम इसे कुक करना है, तो हम गैस स्टोव की तरफ चलते हैं। तो देखिए मैं इसे चढ़ाती हूँ, अब हम इसे चलाते रहेंगे, नहीं तो ये नीचे से बैठ जाएगा क्योंकि हमने इसमें कस्टर्ड पाउडर डाला है। हमें इसे ठीक होने तक चलाना है। देखिए ये धीरे धीरे ठीक होने लगा है। ये देखिए, मैं आपको दिखाती हूँ, ये देखिए ये ठीक होने लगा है। थोड़ा सा गाढ़ा हम और इसे करेंगे। इसी स्टेज पर हम डालेंगे यहाँ पर 2 टेबल स्पून फ्रेश क्रीम। इसको मिक्स कर देंगे और थोड़ा सा हम एक दो मिनट के लिए और कुक करेंगे। अगर आपके पास फ्रेश क्रीम नहीं है तो आप इसकी जगह पर मलाई, घर की जो मलाई आती है वो भी यूज कर सकते हैं, या फिर व्हिपिंग क्रीम है तो आप वो भी डाल सकते हैं। देखिए ये हो चुका है, मैं आपको इसकी कंसिस्टेंसी दिखाती हूँ, एक मिनट। ये देखिए इस स्टेज पर हम गैस को बंद कर देंगे और इसे हम थोड़ा सा ठंडा होने देंगे। तो देखिए ये थोड़ा ठंडा हो चुका है, ये देखिए। अब हम क्या करेंगे, यहाँ पर मैंने ग्लास लिया है, नट, ये देखिए। अब हम इसमें इसे डालेंगे। अब हम इसे फ्रिज में सेट होने के लिए रख देंगे, तब तक हम आगे का प्रोसेस करते हैं। अब मैंने लिया है एक पैन और इसमें हम डालेंगे 1/2 कप पानी और इसमें डालेंगे 1/2 टेबल स्पून कॉर्नफ्लावर और डालेंगे इसमें 1 टेबल स्पून शुगर, 1/2 टेबल स्पून और ये 1/2 टेबल स्पून, 1 टेबल स्पून शुगर और 1 टेबल स्पून मैंने पाइनएप्पल जैम लिया है। अब सभी को हम अच्छी तरह से मिक्स कर लेंगे। कुक करेंगे, तो चलिए गैस स्टोव की तरफ चलते हैं। तो देखिए मैंने इसे गैस स्टोव पर रख दिया है, अब हम इसे कंटिन्यूसली चलाते रहेंगे, नहीं तो ये बैठ जाएगा। देखिए कटलाते रहेंगे, हमने कॉर्नफ्लोर लिया है तो इसमें ये बैठ सकता है। तो देखिए ठीक भी होने लगा है, मैं आपको दिखाती हूँ, लेकिन इसमें कलर थोड़ा मुझे कम लग रहा है, इसलिए थोड़ा कलर के लिए मैं इसमें येलो कलर डालूंगी। ये देखिए, और इसे हम मिक्स कर देंगे। देखिए कितना अच्छा कलर लग रहा है ना। देखिए ये ठीक होने लगा है, मैं आपको दिखाती हूँ, ये देखिए। थोड़ा सा इसे और कुक करेंगे।
देखिए ये हो चुका है, अब हम इसे ज्यादा नहीं पकाएंगे, ये तो बहुत ज्यादा थिक हो जाएगा। ये देखिए दिख रहा है ना कितना सा जेली की तरफ हो गया है ये। अब इसी स्टेज पर हम गैस को बंद कर देंगे। और इसे हल्का सा ठंडा होने देंगे, उसके बाद फिर हम आगे का प्रोसेस करेंगे। तो देखिए ये सेट हो चुका है, आप देख सकते हैं। ये देखिए अब हम इसके ऊपर जो जेली बनाई थी ना मैंने पाइन एप्पल की, वो हम इसके ऊपर डाल देंगे। देखिए कितना अच्छा लग रहा है ना। अब हम इसे भी थोड़ा सा सेट होने के लिए छोड़ देंगे, हम इसे फ्रिज में ही रखेंगे, बस रूम टेम्परेचर पर इसको आने देंगे, उसके बाद हम इसे डेकोरेट करेंगे। तो चलिए इसको थोड़ा ठंडा होने देते हैं। तो देखिए ये थोड़ा सा सेट हो चुका है, पूरी तरह से नहीं हुआ है पर समय नहीं था इसलिए मैं थोड़ा जल्दी निकाल ली फ्रिज से। अब हम क्या करेंगे, इसमें थोड़ा सा हम इस तरह से पोमेग्रेनेट को सजा देंगे। मैंने ये ड्राई पाइन एप्पल लिया है, उसके कुछ पीसेस रखेंगे। और ये थोड़े से क्रश हैं, स्ट्रॉबेरी क्रश, उससे हम थोड़ा सा इसको इस तरह से डेकोरेट कर देंगे। और ये पुदीने के पत्ते। तो देखिए कितना अच्छा बनकर तैयार हुआ है। तो चलिए हम आपको निकाल कर दिखाते हैं कितना अच्छा बना है ये। अब इसी तरह से बनाइए और एंजॉय कीजिए। और अगर हमारी वीडियो आपको पसंद आए तो इसे लाइक कीजिए, कमेंट कीजिए और हमारे चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें।